मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कल्याण सिंह जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीर भूमि मेवाड़ महाराणा प्रताप री स्वतंत्रता री लड़ाई री धरती, मीरारी भक्ति री धरती, पाथल पिथल री धरती, झाला मान भामाशा हकीम खासूर राणा पूंजा बिलरी करम भूमि ने पन्ना हाड़ी रानी री त्यागरी भूमि, जठे प्रभु एकलिंग नाथ स्वयं विराजे, असी त्याग तपस्या वीर भूमि मेवाड़ ने मारो घणो घणो नमन। खम्मा घणी सबने, आप सब इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछले दिनों बाढ़ के कारण देश के कुछ भागों में काफी मुसीबत आई, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, किसानों को भी काफी नुकसान हुआ, राजस्थान में भी कई स्थानों पर ये संकट आया। राज्य सरकार ने अपना एक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा है, भारत सरकार की तरफ से भी एक उच्च स्तरीय समिति राजस्थान का दौरा कर चुकी है और मैं राजस्थान के इन बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों को, किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी। और इस संकट से बाहर निकल करके
एक नए विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल करके भरपूर प्रयास भी करेंगे। आज एक ही कार्यक्रम में 15,000 करोड़ रुपयों की ज्यादा लागत के विकास के कामों का शिलान्यास होना या लोकार्पण होना, ये अपने आप में राजस्थान के इतिहास की एक अद्भुत घटना है। योजनाओं की घोषणाएं करना, चुनाव के समय भांति भांति के वादे करना, अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन छप जाना, आप भी भले हम भी भले, माला दो तुमको डालू, दो माला तुमको डालू, ये सारे खेल देश भली भांति देखता आया है, सालों से यही चला है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है इन पुरानी बुराइयों को खत्म करने में इतनी ताकत लगती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे हारा छोड़ के गए हैं सारी व्यवस्था, ऐसी चरमरा गई है, बुराइयां इतनी प्रवेश कर चुकी है, अगर कोई ढीला ढाला इंसान होता तो शायद उसको देखते ही डर जाता। लेकिन हम जरा अलग मिट्टी के बने हुए हैं, चुनौतियों को चुनने की भी आदत है और चुनौतियों को चुनौती देने की भी आदत है और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रास्ते खोजते हुए मंजिल की ओर देश को ले जाने के लिए जी जान से जुटने का मजा भी रखते हैं। अभी नितिन जी वर्णन कर रहे थे चंबल के उस ब्रिज का, ग्यारह साल और बजट कितना, 300 करोड़ से भी कम। सरकार में फर्क क्या होता है, काम करने वाली सरकार किसको कहते हैं, ये समझने के लिए ये घटना काफी है। एक छोटा सा ब्रिज, 300 करोड़ की लागत का ब्रिज साल डेढ़ साल में बन जाए, सामान्य पद्धति से बनाए तो भी साल डेढ़ साल में बन जाए, 11 साल बीत गए।
और आज ₹5,600 करोड़ के वो प्रोजेक्ट, जरा पत्रकार मित्र हिसाब देखे दिमाग में, ₹300 करोड़ का प्रोजेक्ट 11 साल, ₹5,600 करोड़ के काम 2014 में दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद विचार आया, योजना शुरू हुई, कार्यक्रम बना और आज 3 साल के भीतर भीतर 5,600 करोड़ के कामों का लोकार्पण हो रहा है। हमने उस संस्कृति को लाने का प्रयास किया है, जिस काम का हम आरंभ करेंगे उसे पूरा करने का प्रयास भी हम ही करेंगे। और जब कोई योजना विलंबित हो जाती है, एकाध चुनाव में राजनीतिक लाभ तो शायद मिल जाता होगा, घोषणा की, पत्थर गाड़ दिया, फूल मालाएं पहन ली, फोटो निकलवा दी, अखबार में छपवा दी, एकाध बार चुनाव तो निकल जाएगा, लेकिन बाद में अगर वो योजना अटकी पड़ी है, हजारों करोड़ रुपयों की लागत बढ़ती जाती है, काम न होने के कारण जो नुकसान हुआ है वो अलग, काम अटकने के कारण जो नुकसान हुआ है अलग, और देश का पूरा अर्थतंत्र एक खड्डे में पड़ी हुई योजनाएं खा जाती है। ऐसी गड्ढे में पड़ी इतनी योजनाओं को मुझे बाहर निकालने में इतनी ताकत लग रही है, जैसे कि ये ब्रिज आपने देखा, बंद पड़ा था काम, कोर्ट कचहरी में उलझ रहा था, हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ फैसले लेते हैं, निर्णय करते हैं तो परिणाम भी मिलता है, और वो आज परिणाम आपके सामने है। और आने वाले दिनों में 9000 करोड़ से भी ज्यादा नए काम अकेले राजस्थान में, और प्रमुखतया रोड सेक्टर के काम, कहीं रोड की चौड़ाई, कहीं नई पुलिया, कहीं नया रोड, कहीं रोड का आधुनिकीकरण, 9000 करोड़ से ज्यादा रुपयों के काम को शुरू करना, अगर यही काम 500 करोड़ के आज करते, 500 करोड़ के 5 दिन के बाद करते, फिर 500 करोड़ के 1 महीने के बाद करते, तो राजस्थान के अगले चुनाव तक हम राजनीति की रोटियां सेकते रहते, लेकिन वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। हमें काम करना है, समय सीमा में काम करना है, और इसलिए एक साथ योजना बना करके 9000 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत से नए कामों का आज शिलान्यास हो रहा है। और जब इतनी बड़ी जनभेदरी के सामने कार्यक्रमों की बात करते हैं तो पूरा करने के संकल्प के साथ करते हैं, और मैं राजस्थान की धरती को विश्वास दिलाता हूं कि ये करके रहेंगे और राजस्थान की कायापलट होके रहेगी। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व होता है। ज्यादा लागत वाले होते हैं,
समय लंबा लेने वाले काम होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से लोगों का धैर्य खो भी जाता है और इसलिए सरकारें राजनेता लंबे समय की योजनाएं लंबे समय के बड़े काम इससे भागते रहते थे पुराने जमाने में। हम भली भांति जानते हैं कि देश को अगर नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो हमें हमारी व्यवस्थाओं को भी आधुनिक बनाना पड़ेगा। रेल हो, रोड हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, वाटरवे हो, कोस्टल कनेक्टिविटी का मार्ग रास्ता हो, हर प्रकार से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब विलंब करना भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। और एक बार इस प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित होती है तो सिर्फ जमीन पर एक बड़ी काली लंबी लकीर दिखती है, ऐसा नहीं है। वो लंबी काली पट्टी जो रोड है, वो काले रंग वाला रोड आपके जीवन में रोशनी भरने का काम कर देता है। आप विचार कीजिए, ये 9000 करोड़ रुपयों के लागत से बनने वाले रोड मार्ग किसान को कितना फायदा होगा। वे अपनी फसल, अपने फल फूल सब्जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोल्डन चतुष्क बनाया तो शुरू में तो लोगों को लगता था वाह क्या बढ़िया रोड बन गया, पहले ऐसा रोड नहीं था, आनंद आता था, गाड़ी तेज चलती थी, बात वहां नहीं अटकती थी। मुझे बराबर याद है राजस्थान के इसी इलाके से सटा हुआ गुजरात का हिस्सा, चाहे साबरकांठा हो, चाहे अहमदाबाद जिले के कुछ स्थान हो, वहां जो फल फूल सब्जी और दूध, ये अच्छा रोड बनने के कारण एक दिन में दिल्ली के बाजार में जाकर के बिकते थे और वहां गांव के किसान की आय में आमूलचूल परिवर्तन आया। एक बार अच्छे रोड बन जाते हैं तो मेरा किसान जिसको अपनी फसल शहर तक ले जाने में दिक्कत होती है, फल फूल सब्जी दूध दो दो दिन अगर विलंब हो जाता है तो 20-30% तबाह हो जाती है, खरीदार लेने को तैयार नहीं होता है। जब अच्छे रोड का नेटवर्क बनता है तो देश की इकोनॉमी को भी दौड़ाता है। दूर सुदूर गांवों में बैठे हुए किसान को अपनी पसंदीदा बाजार में पहुंचने के लिए एक अवसर देता है। जब रोड बन जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, गांव की गरीब मां प्रसूता से पीड़ित है, दवाखाना दूर है, 25-30 किलोमीटर दूर जाना है, अगर अच्छे रोड है तो मां और बच्चे की जिंदगी बच जाती है, लेकिन अगर रोड ठीक नहीं है तो उस मां को जिंदगी से हाथ धो देना पड़ता है। रोड से यह काम होता है। राजस्थान में तो राजस्थान का रोड तो पैसे उगलने की ताकत रखता है, पैसे उगलने की। शायद हिंदुस्तान के और भागों को रोड से जितना फायदा मिलता है उससे 5 गुना लाभ राजस्थान को मिलता है, क्योंकि राजस्थान में दूरियां बहुत हैं, भूभाग बहुत बड़ा है और राजस्थान के जीवन में टूरिज्म की बहुत बड़ी ताकत है। विश्व भर का टूरिस्ट राजस्थान से परिचित है,
दुनिया के टूरिस्ट को पुष्कर के मेले में आने का मन करता है, दुनिया के टूरिस्ट को झील की नगरी उदयपुर में आकर के समय बिताने का मन करता है, दुनिया भर के टूरिस्ट को जैसलमेर के पास मरुभूमि में जाकर के एक नई जिंदगी का एहसास करने का मन करता है। किसी को श्रीनाथ जी आना है, किसी को एकलिंग जी आना है, अनगिनत राजस्थान के हर कोने में टूरिज्म को आकर्षित करने की इनहेरेंट ताकत पड़ी हुई है। एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से दुनिया से यात्रियों को खींचने की ताकत रखती है। और जब टूरिस्ट आता है ना, तो वो जेब खाली करने के लिए आता है और यहां के लोगों का जेब भरने के लिए आता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। हर कोई कमाता है, फूल बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, पूजा का सामान बेचने वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। ये ताकत जिस राज्य में है, लेकिन अगर ट्रैफिक जाम रहता है, रास्ते टूटे फूटे हैं, गड्ढे से भरे हुए हैं, कोई प्रॉपर साइनिंग नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सही से स्थान स्थान पर पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं है, तो टूरिस्ट एकाध बार तो आएगा लेकिन जल्दी से जल्दी वापस जाने के लिए सोचता रहेगा। ये 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ जमीन पर रास्ते नहीं बना रहे हैं, वो राजस्थान के भाग्य के रास्ते खोल रहे हैं, ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। और इसलिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बल दिया जा रहा है, भारत सरकार इसके पीछे पूरी तरह खर्च करने पर लगी हुई है, वो इसलिए कि हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक आधुनिक स्थान पर ले जाना है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दूर सुदूर गांव के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, दूर सुदूर गरीब के बच्चे को भी जैसी शिक्षा उदयपुर की अच्छी से अच्छी स्कूल में मिलती हो, अजमेर की अच्छी से अच्छी स्कूल में मिलती हो, वैसी ही शिक्षा दूर सुदूर बांसवाड़ा के जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई को कैसे मिले, ये डिजिटल नेटवर्क के द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, नई पीढ़ी को नई शिक्षा के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा के द्वारा शिक्षा देने का बड़ा अभियान। और उसी के तहत लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया जा रहा है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगता है, करोड़ों रुपयों की लागत लगती है, अरबों खरबों की लागत लगती है, लेकिन वहां जहां से गुजरती है किसी को दिखता नहीं, लेकिन इसमें मेरा क्या, हमारे लिए क्या हो रहा है, ध्यान में ही नहीं आता है। लेकिन जब वो लग जाएगी, बच्चों की पढ़ाई का काम होता होगा, मरीज के बीमारों को टेलीमेडिसिन से दवाइयों की अच्छी सुविधा प्राप्त हो जाएगी, उसके उपचार के रास्ते सही तय हो जाएंगे, गांव के लोगों को भी शहर की सुविधाएं वो उपलब्ध हो जाएगी, आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान के गांव में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी बता रही थी उज्ज्वला योजना,
लाखों की तादाद में गरीब मां बहनों के पास आज गैस का चूल्हा पहुंच गया। एक मां जब लकड़ी के चूल्हे से धुएं में खाना पकाती है, 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। उन मां बहनों के, उन बच्चे जो खेलते हैं, उनके स्वास्थ्य की कौन चिंता करेगा? और एक जमाना था गैस का सिलेंडर लेने के लिए कितने पापल बेलने पड़ते थे, कितनी कठिनाइयां थी, कितने नेताओं से चिट्ठी चपाटी करनी पड़ती थी। ये ऐसी सरकार है जो गरीब के घर जाकर के उसको गैस का चूल्हा देने का अभियान चला रही है और लाखों परिवारों को दे चुकी है। पहले रोड बनते थे, उससे आज दो गुना रोड बन रहे हैं। पहले रेल बनती थी, उससे आज दो गुना रेल बन रही है। चाहे पानी पहुंचाना हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाना है, हमने गति भी बढ़ा दी है, काम का स्केल भी बढ़ा दिया है, स्कोप भी बढ़ा दिया है और स्किल में भी हमने सुधार करके चीजों को आधुनिक बनाने में सफलता प्राप्त की है। अभी जीएसटी आया, शुरू में लोगों को लग रहा था, लेकिन दुनिया के लिए अजूबा है, 125 करोड़ का इतना बड़ा देश रातों रात एक व्यवस्था बदल जाए और देश के 125 करोड़ नागरिक नवी व्यवस्था से अपने आप को एडजस्ट कर ले, ये हिंदुस्तान की ताकत का परिचय करवाता है। दोस्त, हम किसी को, हर किसी को गर्व होगा कि मेरे देश के गांव के अंदर भी बैठे हुए छोटे व्यापारी को भी टेक्नोलॉजी के द्वारा आधुनिक कैसे बनना, उसके मन में एक इच्छा जगी है। और मैं चाहूंगा, मैं राजस्थान के अफसरों से खास आग्रह करूंगा कि एक अभियान चलाइए 15 दिन का, गांव गांव हर व्यापारी छोटा हो तो भी, 20 लाख की सीमा से नीचे हो, 10 लाख की सीमा से नीचे हो, उसको भी जीएसटी में जोड़िए, ताकि ये जीएसटी का लाभ उस गरीब व्यापारी को भी मिलना चाहिए, छोटे व्यापारी को भी मिलना चाहिए। अगर वो जुड़ेगा नहीं तो गाड़ी कहीं अटक जाएगी, वहीं रुक जाएगी, नीचे तक लाभ पहुंचेगा नहीं। और एक अभियान के स्वरूप में काम उठाना चाहिए। आप देखिए राजस्थान की आय में भी आपने कल्पना नहीं की इतना परिवर्तन आएगा, इतना बढ़ावा होगा और उसका परिणाम ही आएगा कि राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए अनेक नई योजनाएं सरकार अपने हाथ में ले सकती है। जीएसटी के कारण अकेले ट्रांसपोर्टेशन में जो डिपार्टमेंट भी हमारे नितिन जी देखते हैं, पहले ड्राइवर घर से निकलता था, अगर उसको समुद्री तट पर बंदर पर सामान पहुंचाना है, अगर हम किलोमीटर की गिनती करें, ट्रक की स्पीड की गिनती करें तो 3 दिन में पहुंच सकता है, लेकिन पहले हर जगह पे चुंगी, हर प्रकार के जगह पे चुंगी नाका और नाकों पर क्या क्या होता था वो सब जानते हैं, दुनिया कैसी चलती थी, वो बेचारा 5 दिन में पहुंचता था। 2 दिन ट्रक, एक सप्ताह में 2 दिन ट्रक अगर पड़ी रहती है, देश की इकोनॉमी को 25% से ज्यादा नुकसान होता है ट्रांसपोर्टेशन में। ये जीएसटी के बाद सारे चुंगी नाके गए, ट्रक के ड्राइवरों को खड़ा रहना, लाल पास लीला पास का जो चक्कर था सब बंद हो गया और वो पहले 5 दिन लगते जब 3 दिन पहुंच रहा है, 2 दिन ज्यादा माल ढोकर के आगे बढ़ रहा है, उसके कारण माल ढोने के खर्च कम हुए, ट्रांसपोर्ट वालों की आय बढ़ी है। और मैं तो नितिन जी से कहा हुआ है कि हम नई परिस्थिति में हमने नए ट्रांसपोर्टेशन के कानून भी बदलाने चाहिए। आज हमारे देश में क्या है, एक ट्रक के अंदर माल लेकर के जाते हैं, पूरा उसी में ढो करके जाते हैं। अब समय की मांग है
कि ट्रक और ट्रॉली जैसे ट्रैक्टर में होता है वो अलग कर दी जाए, ट्रॉली के अंदर सामान भरा हो जयपुर में ट्रॉली छोड़ दो, ट्रक लेकर के दूसरी ट्रॉली लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ड्राइवर रात को अपने घर पहुंच सके, परिवार में बच्चों के साथ रह सके। वैसी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का हमारा काम है, और ट्रांसफॉर्मेशन देश में लाना है तो ट्रांसपोर्ट पद्धति से भी बहुत तेजी से लाया जा सकता है, और एक व्यापक योजना के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में चल रहे हैं। मैं फिर एक बार स्वागत सम्मान के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।